देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। भारत और चीन का सीमा विवाद तो काफी पुराना है, लेकिन 15-16 जून को इस विवाद में ऐसा मोड़ आया जैसा सालों से नहीं हुआ था। फिलहाल भारत के तमाम बड़े अखबारों ने खबर छापी है। ये खबर बताती है कि गलवान घाटी में 22 जून 2020 की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जिस जगह दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, वहां दोबारा चीनी सेना दिख रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने उसी जगह पर नए स्ट्रक्चर्स होने की भी बात कही है। वहीं जब भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद शुरू हुआ और नेपाल ने आपत्ति जताई, तो भारत के आर्मी चीफ ने कह दिया कि नेपाल किसी और की वजह से ऐसा कर रहा है। उनका यह बयान चीन की ओर इशारा कर रहा था, जिस पर नेपाल ने काफी नाराजगी भी जताई। अब नेपाल और चीन के बीच भी सीमा विवाद गहराने के आसार दिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक नेपाल में विपक्ष कह रहा है कि चीन ने नेपाल की 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया है। विपक्ष मांग कर रहा है कि ओली सरकार चीन से बात करे और इसे लेकर संसद में प्रस्ताव पारित करे। हालांकि इसी खबर में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नेपाल के साथ चीन का कोई विवाद हुआ है। पिछले साल भी नेपाल के सर्वे विभाग की एक लीक्ड रिपोर्ट में चीन पर आरोप था कि उसने नेपाल के उत्तर पूर्वी जिलों में अतिक्रमण किया है। तब नेपाल ने इस विवाद को चीन के साथ नहीं बढ़ाया था। नेपाल के कुछ इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसलिए अपना दावा समझता है। इसी तरह का मामला भूटान के साथ भी है। 2017 में आपको याद होगा कि भूटान चीन भारत के ट्राई जंक्शन डोकलाम में चीन की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से विवाद हुआ था। चीन ऐसा देश है जिसका कई देशों के साथ सीमा विवाद है। सिर्फ जमीन ही नहीं, अमेरिका तो साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी परेशान है। 2009 से ही चीन ने कई टैक्टिक्स से इस इलाके में अपना कंट्रोल बढ़ाया है। जमीन पर कब्जा, अपने आइलैंड्स पर मिलिट्री बढ़ाना और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है। साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है और चीन ने सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी को अपना जरिया बनाया हुआ है। इसी साउथ चाइना सी के सेनकाकू आइलैंड, रिनक्यू आइलैंड पर जापान भी अपना दावा करता है और चीन भी। इस इलाके के हिस्सों को लेकर तो फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन को घसीट चुका है। 2016 में इस मामले में फिलीपींस के पक्ष में फैसला आया, लेकिन चीन ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। इसी इलाके में सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। चीन अपने आक्रामक तेवर दिखाने से कहीं पीछे नहीं हटता। इसी साल की शुरुआत में साउथ चाइना सी में ही चीन और मलेशिया के जहाजों को लेकर ही दोनों देशों के बीच एक महीने तक स्टैंड ऑफ रहा। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत चीन को चेतावनी भी दी है। भारत के साथ चीन की जो 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, उसके अलावा भी चीन भारत को घेर चुका है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी चीन के पास है। म्यांमार में मल्टी बिलियन डॉलर का निवेश किया है। 1.34 अरब डॉलर की मदद की पेशकश बांग्लादेश को की है। पाकिस्तान और चीन के संबंध तो दोस्ताना ही रहे हैं और नेपाल के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं। चीन कहता है कि अक्साई चिन उसका हिस्सा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश पर और लद्दाख पर भी अपना दावा जताता है। ताइवान को तो चीन अपना ही हिस्सा मानता है। इतिहास का हवाला देकर वियतनाम के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। साथ ही साउथ चाइना सी में भी वियतनाम के साथ विवाद है। रूस के साथ 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के सीमाई इलाके पर चीन अपना दावा करता है, जबकि दोनों देशों के बीच कई बार समझौते हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी के कुछ हिस्से पर विवाद है। देखा जाए तो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी विस्तारवादी नीति के चलते चीन कई देशों के साथ भिड़ा हुआ है, बड़े देशों के साथ भी आर्थिक और सीमा विवादों में फंसा है, लेकिन फिर भी उसकी विदेश नीति एग्रेसिव नजर आती है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।